अब हम डिस्कस करते हैं फ्यूचर टेंस को। फ्यूचर टेंस क्या है और फ्यूचर टेंस क्या होता है? फ्यूचर टेंस वो टेंस होता है जिसमें हम आने वाले वक्त में होने वाले एक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं। कमिंग टाइम में हम होने वाले जो एक्शंस हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसमें यदि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल अकर इन फ्यूचर। इसमें वो तमाम एक्शंस को एक्सप्रेस किया जाता है जो कमिंग टाइम में, फ्यूचर वाले टाइम में, मतलब आने वाले वक्त में जो है वो टेक प्लेस होंगे। इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है जी? सब्जेक्ट है विल शेल और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है और ऑब्जेक्ट यूज होता है। विल शेल कैसे हेल्पिंग वर्ब यूज होगा? आई वी दे यू के साथ शेल यूज होगा, ही शी इट के साथ विल यूज होगा। यहां पे है जी एग्जाम्पल्स। अहद विल मैरी फॉर नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक जो है फ्यूचर टाइम है। क्या काम होगा, एक्शन क्या होगा? अहद विल मैरी फरवा। वी शेल गो टू स्कूल टुमारो। हम सुबह स्कूल जाएंगे। कल का टाइम है, आने वाला वक्त है और क्या करेंगे? स्कूल जाएंगे। दे विल स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। दे विल स्टार्ट। अब यहां पे विल यूज हुआ है। क्यों यूज हुआ है इसका मैं आगे जाके आंसर दूंगा, अभी फिलहाल इसको ऐसे ही देखें। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए कुछ रूल्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। इन रूल्स में पहला है जी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज यूज टू डिक्लेयर फैक्ट्स इन द फ्यूचर और मेक प्रेडिक्शंस। प्रेडिक्शंस के लिए और फैक्ट्स को डिक्लेयर करने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रेडिक्शन है या कोई फैक्ट डिक्लेयर करना है हमने, जैसा कि इट विल बी मंडे ऑन 25 दिसंबर 2023 दिस ईयर। 25 दिसंबर को मंडे का दिन होगा। प्रेडिक्शन भी आप इसको कह सकते हैं, फैक्ट भी कह सकते हैं, आप इसको फैक्ट कह सकते हैं। रूल नंबर टू है जी, विल और बी गोइंग ऑन कब यहां पे यूज होगा, जो फ्यूचर में हैपन होने वाले एक्शंस हैं या टेक प्लेस होने वाले एक्शंस हैं। इसमें विल और बी गोइंग ऑन कैसे यूज होगा इसको देखते हैं। विल इज यूज फॉर स्पॉन्टेनियस डिसीजन और प्रेडिक्शंस। जो एक्शंस या प्रेडिक्शन जो ऑन द स्पॉट या स्पॉन्टेनियस टाइम पे आप लेंगे उसके लिए विल यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव अ हॉट कॉफी। अगर आप किसी रेस्टोरेंट पे हैं और वहां पे ऑर्डर देने का टाइम आ रहा है, ऑर्डर प्लेस करने का टाइम है, तो आप स्पॉन्टेनियस टाइम पे ये डिसाइड करते हैं कि आई विल हैव अ हॉट कॉफी, नॉट कोल्ड कॉफी। तो ये आपका स्पॉन्टेनियस एक्शन है, इस वक्त आप विल यूज करेंगे। बी गोइंग टू इज यूज फॉर इंटेंशंस और एक्शंस दैट हैव ऑलरेडी बीन प्लान्ड। बी गोइंग ऑन उन एक्शंस के लिए यूज किया जाता है जो आपके ऑलरेडी प्लान है कि मैंने उस वक्त ये काम करना है। कुछ भी हो जाए, आई विल डू दैट टास्क, आई विल कंप्लीट दैट टास्क। तो वो जो एक्शंस जो होंगे आपके प्लान्ड, प्री प्लान्ड एक्शंस जो हैं, जो आपने फ्यूचर टाइम में करने हैं, उनके लिए बी गोइंग ऑन यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू टेक बर्गर। आप पहले प्लान कर चुके हैं, ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है, आपने पहले प्लान कर लिया है कि मैं मैकडोनल्ड्स जाऊंगा और वहां पे जस्ट बर्गर खाऊंगा, नो चॉकलेट कॉफी, नो हॉट कॉफी, नो कोल्ड कॉफी, नो ड्रिंक्स, जस्ट टू ईट बर्गर। तो यहां पे आपने पहले से प्लान किया है, प्री प्लानिंग है, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? आई एम गोइंग टू टेक बर्गर। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसमें यूज होगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल के बाद नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। She will not eat the meal. They will not play cricket. You will not tell a lie. ये तमाम examples हैं जो negative sentences की sentence structure के according है। Interrogative sentences के लिए जो sentence structure है future indefinite tense में वो है will, shall, helping verb पहले आ जाएगा, plus subject है, plus first form of verb, उसके बाद object, और sign of interrogation लगाना कभी नहीं भूलना। Will he go to his office tomorrow? Will you give him your book? Shall they send me an invitation card? तो ये यहाँ पे जो साइन ऑफ इंटरोगेशन के साथ इंटरोगेटिव सेंटेंसेज हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में आपने फिर देखा होगा कि विल यूज हो रहा है यू के साथ, जबकि हमने ये डिस्कस किया था कि शेल यूज होगा आई वी दे यू के साथ। तो जब आप किसी काम के लिए आप जोर देना चाह रहे हैं या आप उसको आप मेन फोकस कर रहे हैं या आप उस काम को हर हाल में करना चाह रहे होंगे तो उसके लिए आप विल यूज करेंगे। मतलब ज्यादा फोर्स करने के लिए, ज्यादा मेनली फोकस्ड रहने के लिए वहां पे आप विल यूज कर सकते हैं।
अब हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है जी? फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी इसको बोल सकते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम इन फ्यूचर। वो एक्शंस जो किसी टाइम पे थोड़े अरसे के लिए कंटिन्यू रहेंगे उनको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कंक्लूड करेंगे। स्ट्रक्चर है जी यहाँ पे सिंपल सेंटेंसेस की, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, द पेशेंट विल बी फीलिंग गुड टुमारो, वी विल बी सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे, ही विल बी ईटिंग द मील। तो ये एग्जांपल्स हैं अकॉर्डिंग टू सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो है सब्जेक्ट के बाद विल शैल और नॉट के बाद बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही विल नॉट बी लिसनिंग टू द म्यूजिक, she will not be looking good in this dress, they shall not be getting salary for their job. तो ये negative sentences के sentence structure के according कुछ examples हैं। Interrogative sentences के लिए future continuous tense में structure जो है वो will shall के बाद subject plus be plus first form of verb plus ing plus object use होगा और sign of interrogation जो है वो use किया जाएगा। इसमें examples हैं, will the kids be making noise, Will we be using our computer? Shall they be decorating their house? तो ये कुछ interrogative sentence structure के accordingly examples हैं। अब हम discuss करेंगे future perfect tense। Future perfect tense क्या है जी? The future perfect tense is used to express an action that the speaker assumes will have completed or occurred in the future। जो speaker है वो assume कर रहा है कि future time में वो कंप्लीट हो जाएंगे और वो फ्यूचर टाइम में ही अकर होंगे। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस के लिए जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, शी विल हैव बॉट अ न्यू पेंटिंग, दे विल हैव स्टार्टेड देयर बिजनेस नेक्स्ट ईयर, शी विल हैव फिनिश्ड द टास्क। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं सिंपल सेंटेंस के सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो है सब्जेक्ट प्लस विल के बाद नॉट लगेगा, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज होगा, बाकी सारा सेम है अकॉर्डिंग टू सिंपल सेंटेंसेस। ही विल नॉट हैव स्टोलन योर मनी, दे विल नॉट हैव एंजॉयड द पार्टी, वी विल नॉट हैव फिनिश्ड आवर टास्क। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि नेगेटिव सेंटेंसेस के सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये जो है यहाँ पे विल हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले लग गया है, उसके बाद सब्जेक्ट है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना नहीं भूलना। एग्जाम्पल्स हैं जी, विल शी हैव गॉन टू जर्मनी, विल शी हैव कुक्ड सम फूड, विल ही हैव पास्ड हिज एग्जाम। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है। अब हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या है जी? द फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑनगोइंग और कंटीन्यूअस एक्शंस और इवेंट्स दैट विल कंटिन्यू अप अंटिल अ स्पेसिफिक पॉइंट और एक्शन इन द फ्यूचर। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो है वो कोई ऑनगोइंग एक्शन या इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है जो कि फ्यूचर टाइम में ही किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक कंटिन्यू रहा हो। सिंपल सेंटेंसेस के लिए जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो है विल सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड टाइम सिंस फॉर एंड टाइम। फॉर एग्जांपल, द डॉक्टर विल हैव बीन ट्रीटिंग द पेशेंट्स फॉर 3 इयर्स, शी विल हैव बीन टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर 3 इयर्स, ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। यहां पे सब्जेक्ट आ गया विल के बाद, हैव आ गया बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और टाइम आ गया। इसी तरीके से सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसकी एग्जांपल्स हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो विल के बाद नॉट यूज होगा और हैव बीन यूज होगा। फॉर एग्जांपल, यहां पे सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर एंड टाइम। दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 डेज, I shall not have been using cell phone since 5 p.m. They will not have been wasting their time since Monday. तो ये वो examples हैं जो आपके
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस की सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं जी। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड सेंस फॉर एंड टाइम। एग्जाम्पल्स हैं जी सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, विल दे हैव बीन ईटिंग वेजिटेबल्स फॉर 3 months, विल ही हैव बीन ड्राइविंग अ कार फॉर 5 hours, will we have been constructing our house since September?